गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण के बाद सुर्खियों में आए बरेलवी पंथ के मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ गुजरात पुलिस ने पासा की कार्रवाई की है। गुजरात पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई मौलाना सलमान अजहरी को तीनों मामलों में जमानत मिलने के बाद की गई है। इसके बाद अब मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को अहमदाबाद की साबरमती जेल से वडोदरा जेल लाया जाएगा। गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम यानी पासा 1985 प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बूटलेगर्स, खतरनाक व्यक्तियों, नशीली दवाओं के अपराधियों, अनैतिक तस्करी अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों को हिरासत में लेने की इजाज़त देता है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ राज्य के 3 जिलों में मामला दर्ज हो तो पुलिस पासा की कार्रवाई की मांग कर सकती है। इसके बाद व्यक्ति को भले ही बेल मिल जाए, उसे डिटेंशन में लेकर जेल में रखा जाता है। गुजरात पुलिस ने अजहरी के खिलाफ यह कार्रवाई मोडासा कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद की। जूनागढ़ पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने जिला कलेक्टर के आदेश को दिखाते हुए मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट कर लिया। LCB के इंस्पेक्टर जतिन पटेल ने कहा कि मुफ्ती के खिलाफ यह कार्रवाई पासा के तहत की गई है, उन्हें वडोदरा सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। मौलाना सलमान अजहरी के खिलाफ गुजरात में कुल 3 FIR दर्ज की गई थी। मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ पासा की कार्रवाई होने के मुद्दे पर महाराष्ट्र AIMIM के नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने कहा, हम कोशिश करेंगे कि वे जल्द छूट जाएं। पठान ने कहा कि मुफ्ती और उनके भाई लोगों से दुआ करने की अपील है। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले सलमान अजहरी ने जूनागढ़ के एक कार्यक्रम में कथित नफरती भाषण दिया था, जिसके बाद अजहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले के तूल पकड़ने पर गुजरात ATS ने अजहरी को 4 फरवरी मुंबई से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने 31 जनवरी को गुजरात के कच्छ जिले के समयाखियारी इलाके में आयोजित एक जनसभा में कथित भड़काऊ भाषण दिया था। इस सिलसिले में सलमान अजहरी पर IPC की धारा 153 बी और 505 की उपधारा 2 के तहत एक मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद अरवली जिले के मोडासा में केस दर्ज हुआ था। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने 31 जनवरी की रात जूनागढ़ में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज उनका वक्त है, हमारा दौर आएगा। इसके बाद मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ पुलिस एक्शन हुआ था। भड़काऊ तकरीर में मौलाना के अरेस्ट होने के बाद सामने आया था कि मौलाना पर पहले से भी केस दर्ज हैं। गुजरात ATS ने भड़काऊ भाषण को लेकर मौलाना के ट्रस्ट और फंडिंग की भी जाँच शुरू की थी। मोंटू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।